मालूम होने के बावजूद भी वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि बात यह है कि अगर इंसान इस चीज़ को महसूस कर ले और इंसान इस चीज़ का तसव्वुर कर ले कि इस दुनिया के अंदर हम जो आए हैं वो पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं, इससे पहले हम कभी दुनिया में नहीं आए थे और इसके बाद भी जब हमें मौत आएगी तो फिर हम दुनिया में कभी वापस पलट कर नहीं आएंगे और दुनियावी ज़िंदगी हमें दोबारा मैसर नहीं आएगी, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो आखिरत की ज़िंदगी है या मौत के बाद की जो ज़िंदगी है तो वहाँ पर हमें एक एक नेकी की ज़रूरत होगी और वहाँ हालात ये होंगे कि अगर कोई बेटा अपनी माँ से एक नेकी तलब करेगा तो माँ भी अपने बेटे को एक नेकी देने से इनकार कर देगी। जबकि यहाँ का हाल ये है कि यहाँ इंसान लाखों करोड़ों नेकियाँ एक एक अमल के एवज कर सकता है। हमारे सरकार हमारे मालिक व मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे करीम है कि उन्होंने छोटे छोटे अमल पर बड़ी बड़ी फजीलतों की बशारत अता फरमाई है अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह के हुक्म से। काश कि हम ज़िंदगी के इन लम्हात की कद्र करते और अल्लाह तबारक व ताला जो बरकत वाले महीने बरकत वाले दिन बरकत वाली रातें हमें अता फरमा रहा है हम उसकी कद्र करके उसमें अल्लाह की इबादत करते तो फिर हमें क्या नसीब होता। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये जो ज़िलहज्जा शरीफ का महीना यानी कि क़ुरबानी का जो महीना आने वाला है उसकी बरकतें क्या हम उसकी तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक व ताला क़ुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फज्र की कसम और 10 रातों की, सुबह की कसम और 10 रातों की। इसकी तफसीर में बहुत सारे अक़वाल जो हमारे असलाफ़ ने बयान किए हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला ने पहले वल फज्र कहकर सुबह की कसम याद फरमाई। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला जिस चीज़ की कसम याद फरमाता है तो गोया के कुदरत उसकी अहमियत बताना चाहती है। यानी हम जिस चीज़ की कसम खाते हैं तो हम इज़्ज़त वाली चीज़ की कसम खाते हैं हमेशा से, और यो तो वैसे भी मखलूक की कसम खाने की इजाज़त नहीं है, या तो अल्लाह की ज़ात की कसम उठाई जाए या तो अल्लाह की सिफ़ात की कसम, लेकिन इंसान अगर कसम उठाता है हालांकि मखलूक की कसमों का एतबार नहीं है लेकिन उसकी कसम उठाता है जो चीज़ इज़्ज़त वाली होती है, लेकिन कुदरत जिस चीज़ की कसम उठा लेती है तो उसके कसम उठाने की वजह से वो चीज़ इज़्ज़त वाली हो जाती है। तो अल्लाह ने सुबह की कसम फज्र की कसम याद की। अब इस पे कौल ये बयान अक़वाल तो मुख्तलिफ है, एक कौल ये बयान किया जाता है कि फज्र की कसम यानी नमाज फज्र की कसम, इसी तरह से सुबह की कसम, सुबह की कसम इसलिए याद की गई कि सुबह का वक्त मुनाजात का वक्त है, सुबह का वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार का वक्त है, सुबह का वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में आंसू बहाने का वक्त है, अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाने का वक्त है। वैसे अल्लाह ताला ने अपने मकबूल बंदों की जो अलामत कुरान शरीफ में बयान फरमाई है उसमें से एक ये भी कहा कि जो सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, और सुबह के वक्त की बड़ी बरकतें सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात के आखिरी पहर में जाग कर इबादत करने से जो नेमतें मुझे नसीब हुई है वो किसी नफिल इबादत की वजह से नसीब नहीं हुई है। इसी तरह से फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल मरतबा नवाफिल में जिन नमाज़ों का है तो वो तहज्जुद की नमाज है जो सुबह के करीब होती है। तो इस तरह से सुबह की बड़ी बरकतें हैं, और जो लोग सुबह बेदार रहते हैं तो ये भी हदीस पाक में आया है कि सुबह बेदार रहने वाला कभी तंग दस्त नहीं होता, सुबह बेदार रहने से अल्लाह ताला रिस्क में वसअत और बरकतें अता फरमाता है। इस तरह सुबह की बड़ी बरकतें हैं, तो अल्लाह ताला ने सुबह की कसम याद फरमाई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सुबह से मुराद यहाँ हर सुबह है, फजर से मुराद
हर फजर है, इससे नमाज फजर की अहमियत भी पता चलती है। लेकिन बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक, जिनमें जो है वो सैयदना अब्दुल्लाह इबन अब्बास हिब्रुल उम्मा है, इसी तरीके से हज़रत मुजाहिद है, इसी तरीके जनाब अता है और भी लोग हैं, तो उन लोगों ने इसको मखसूस किया कि फजर से मुराद बाज़ कहते हैं कि मुहर्रम शरीफ की फजर है, पहली फजर, क्योंकि उससे साल का आगाज़ होता है। बाज़ ने कहा कि इससे ज़िलहज्जा शरीफ की अरफा की फजर है, क्योंकि उसमें जो है वो यौमुल उसमें जो है वो हज का दिन है, यौमुल हज है। इस तरह से मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन हम उसको हर सुबह भी कह सकते हैं इसलिए कि, और हर फजर भी कह सकते हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुतलकन इसको बयान फरमाया। और एक तफसीर के मुताबिक वलयालिन अश्र जो है, वलयालिन अश्र जो है, तो उससे मुराद जो है वो ज़िलहज्जा शरीफ की पहली 10 रातें हैं, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िलहज्जा शरीफ की पहली 10 रातों की कसम जो वो याद फरमाई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसके रावी हज़रत हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सरीन रईसुल मुफस्सरीन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा शरीफ के पहले 10 दिनों के की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह के नज़दीक इन दिनों से ज़्यादा कोई नेकी महबूब हो, यानी कि ज़िलहज्जा शरीफ के 10 दिनों के अंदर अल्लाह को नेकियां जितनी पसंद है, जितनी महबूब है, या नेकियों का जो अज्र अल्लाह इन 10 दिनों में अता फरमाता है, इनके अलावा और दिनों में नेकियों का वो सिला या वो अज्र बयान नहीं किया गया, यानी कोई अमल कोई नेकी अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से बढ़ करके नहीं है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 10 दिनों में यानी ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में जो नेकी की जाती है, क्या वो नेकी से जिहाद भी बढ़कर नहीं है, यानी जिहाद का सवाब भी इन नेकियों से नहीं बढ़ सकता, इन दिनों में जो अमल होते हैं तो जिहाद का सवाब भी उससे नहीं बढ़ सकता? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, यानी कि ज़िलहज्जा शरीफ में 10 दिनों में जो नेकी की जाती है, जिहाद भी उससे या जिहाद की नेकी भी उससे बढ़ नहीं सकती, बल्कि ये जिहाद से बढ़ कर हैं। हाँ, जिहाद में अगर कोई बंदा शहीद हो जाए और शहादत का मकाम हासिल कर ले, यानी अपना कुछ वो ले जाए तो वापस ना लाए, ना जान लाए, ना माल वापस लाए, तब उसकी शहादत जो है इन नेकियों से बढ़ सकती है। बाकी के शहादत के अलावा जो कुछ भी और दिनों में आपने अमल किया है, वो ज़िलहज्जा शरीफ के इन 10 दिनों के अंदर जो नेकी है, वो हर नेकी से बड़ी नेकी और बड़ा सिला पाती है और बड़ा अज्र पाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाज़ा करें और गौर फरमाएँ कि ज़िलहज्जा के 10 दिनों की नेकी को हुज़ूर अलैहि सलाम ने कितनी जो वो बड़ी बयान फरमाई, और उसका सिला और उसके अजर के बारे में कैसी बड़ी बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। हालांकि इसकी शरह करते मुहद्दिसीन ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक की नेकियों के अलावा इनको शुमार किया गया है। फिर बयान किया जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया करती थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक ऐसा वाक़या पेश आया, हमने एक ऐसा मंज़र देखा कि एक शख्स था हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में, एक शख्स था जिसको म्यूज़िक की और गाने बाजे की बड़ी आदत थी, और वो इस लत में डूबा हुआ था और उसी में वो डूबा रहता था। लेकिन उसकी ये आदत थी कि वो गाने बाजे तमाशों का आदि तो था ही था, लेकिन साथ में उसका एक अच्छा अमल ये था कि जब वो ज़िलहज्जा शरीफ का चाँद देखता था, तो उस चाँद के देखते ही वो पहली ज़िलहज्जा शरीफ से रोज़ा शुरू कर देता था, यानी रोज़ा रख लेता था।
तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात अर्ज़ की गई कि करीम आका एक बंदा है जो म्यूज़िक और गाने वगैरह का आदि है, लेकिन जब ज़िलहज्जा शरीफ का वो चांद देखता है तो वो रोज़ा रख लेता है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा नवाजी और करम नवाजी फरमाकर उस जवान को जो है वो अपनी बारगाह में तलब किया और बुलाया कि उसको बुला कर लाओ। जब वो बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ तो आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम इन दिनों के रोज़े क्यों रखते हो, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दिनों यानी ज़िलहज्जा के दिनों में तुम्हें रोज़ा रखने पर आमादा करती उभारती है। तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान, आका ये दिन हज के दिन है और इन दिनों में हाजी इबादत करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं वहाँ तो पहुँच नहीं सकता, तो मैं यहीं इबादत करके उनकी दुआ में और उनकी इबादतों में मैं भी शरीक हो जाऊँ, मेरी भी शिरकत हो जाए कि मैं उनकी दुआओं में उनकी इबादतों में, वो इबादत करें तो मैं भी इबादत कर लूं, वो रातों को जग रहे तो मैं भी रातों को जग लूं, वो उनकी इबादत में मेरी भी शिरकत हो जाए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और उस जवान से हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर जो तुम रोज़ा रखते हो तो उनमें से एक रोज़े का सवाब ऐसे हैं जैसे कि हर रोज़, यानी आका अलैहि सलाम फरमाते हैं एक रोज़ा रखना ऐसा है जैसे कि साल भर में हर दिन तुमने रोज़े रखे। और फिर उसके बाद ये है कि एक रोज़ा रखने पर सिर्फ यही सवाब नहीं कि तुमने हर दिन रोज़ा रखा, बल्कि उसके अलावा ये भी सवाब है कि गोया कि तुमने एक रोज़े के बदले सवाब ये कि तुमने 100 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए और हरम शरीफ में कुर्बानी के लिए तुमने 100 ऊँट रवाना किए और जिहाद में जाने वाले मुजाहिदीन के लिए तुमने 100 घोड़े दिए, यानी 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 कुर्बानियाँ यानी हरम में 100 ऊँट कुर्बानी के लिए भेजने का सवाब, और जिहाद करने वालों के लिए 100 घोड़े देने वालों को जो अजर सवाब मिलेगा वो तुम्हें एक रोज़ा ज़िलहज्जा शरीफ में रखने पर अल्लाह अता फरमाएगा। आप गौर फरमाएं कि कितने मुबारक दिन हैं कि एक तो एक रोज़ा रखा ज़िलहज्जा शरीफ में, साल भर रोज़ों का सवाब एक, दूसरा 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 ऊँट हरम शरीफ में कुर्बानी के लिए भेजने का सवाब और 100 घोड़े मुजाहिदीन को देने का सवाब, कितनी बड़ी सआदत है जहाँ एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा, कोई किसी को नहीं देगा, या कितना खूबसूरत मौका है कि ज़िलहज्जा शरीफ का महीना आ रहा है, आकाश के हम इस मुबारक अशरे में रोज़ों का अहतमाम करते, हालांकि ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन इन रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। बल्कि बाज़ बुज़ुर्गान दीन के मुतालिक आया है कि वो 13, 14, 15 तारीख को हर महीने की और आशूरा का रोज़ा और ज़िलहज्जा में अरफा का रोज़ा सफ़र में भी तर्क नहीं करते थे, सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। उनसे पूछा गया कि भाई रमज़ान शरीफ के रोज़े छोड़ सकते सफ़र में, लेकिन तुम ये रोज़े सफ़र में भी रखते हो, सफ़र में नहीं छोड़ते? तो बहुत खूबसूरत जवाब एक बुज़ुर्ग ने दिया कि रमज़ान शरीफ के रोज़े अगर छूट जाएं या सफ़र में छोड़ दें तो उसकी कज़ा और दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ये रोज़े छूट जाएँ तो इनकी, चूँकि ये नफिल है तो नफल की कज़ा नहीं हो सकती है, इस वजह से हम इसको सफ़र में भी रखते हैं। हालाँकि सफ़र में बहुत छूट है, मगर चूंकि जो लोग नेकी के दिलदाले होते हैं, जिन्हें नेकी से रग़बत होती है और नेकियों के ज़रिए से जो अल्लाह का क़ुर्ब पाना चाहते हैं, तो ये उनका ज़ौक़ और शौक़ है। याद रखिए कि ये लम्हात बार बार नहीं आते, बल्कि ये ज़िंदगी भी बार बार मैसर नहीं है, सिर्फ़ एक मरतबा, पहली और आखिरी मरतबा अल्लाह ताला ने हमें ये दिन ये ज़िंदगी दी है। और फिर जिन रातों की कसम कुदरत याद करे, सोचिए इन रातों में कितनी बरकत होगी। और चूंकि जो है वो दिन रात के ताबे होते हैं, तो रातों में जो बरकत है वो बरकत दिनों में भी होती है और दिन में जो बरकत है वो रातों को भी होती है, इसलिए इन रातों को, बरकत वाली रातों को क़याम करें। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़िलहज्जा की
پہلی 10 راتوں میں قیام کرنا ایسے ہے شب قدر میں قیام کے برابر اس کا قیام ہے۔ سوچئے ذرا، یہ ان راتوں کی برکت ہے۔